हेलो दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू एक्टिवा 6G का STD वेरिएंट का। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक में आपको इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स और बल्ब इंडिकेटर मिलते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे होंडा का लोगो और यहाँ पे क्रोम सराउंडिंग्स विद मैट फिनिश विंग्स शेप। यहाँ पे आपको मेटल का मडगार्ड मिलता है। तो साइड लुक की बात कर दिया तो इसकी साइड लुक काफ़ी अच्छी है और पहले से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिलता है और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको इसमें डिजिटल का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पासिंग के स्विच, इंडिकेटर्स, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट बटन, यहाँ पे आपको की डालने की जगह मिलती है और इसमें आपको फ्यूल लिड ओपनर का और सीट ओपनर का बटन मिलता है। यहाँ पे आपको इसमें हुक मिलता है जिसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हो और एक हुक आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको एक्टिवा की ब्रांडिंग, ये रही इसकी कुछ बैक लुक। यहाँ पे आपको वी शेप में आपको इसमें बैकलाइट मिलती है और साइड में आपको इसमें इंडिकेटर मिलते हैं जो कि बल्ब इंडिकेटर हैं और जो इसकी बैकलाइट है उसमें आपको बल्ब मिलता है। यहाँ पे आपको HET की बैजिंग BS6। यहाँ पे आपको ESP मिलता है, इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी, होंडा का लोगो, किक स्टैंड, साइड स्टैंड, और आप यहां से इसमें सीट और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अब यहां पे ऐसे सीट को दबा के ऐसे पुश करके 21 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। यहां से आप फ्यूल लिड भी ओपन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं एक्टिवा 6G के। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी साइलेंट स्टार्टिंग की। इसमें आपको पिकअप डिसेंट सा मिलता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पिकअप नहीं मिलता और इसका थ्रो भी अच्छा ही है एक्सीलेटर का। न्यू एक्टिवा 6G आपको बिल्कुल साइलेंट एंड स्मूथ राइड प्रोवाइड करती है हाई स्पीड पे भी। जैसे अभी मैं 40 पे चला रहा हूँ तो इकोनॉमी स्पीड पे आपको बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करके दिखाएगी और इसमें आपको किसी भी तरह की कमी नहीं लगती स्कूटी में। इसमें आपको चलते वक्त बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं होती हैं, काफ़ी साइलेंट है ये एक्टिवा 6G। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करी जाए तो वो इसकी 85 किलोमीटर पर आवर है। एक्टिवा 6G हाईवे पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि ओवरटेकिंग में इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि हम आराम से ओवरटेक कर सकते हैं आगे वाले को। अभी मैंने हाफ एक्सीलेटर दे रखा है जिसमें इसने 50 तक स्पीड गेन कर ली थी और ओवरटेकिंग के वक्त आपको इसमें कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं होती और आराम से आप इससे किसी भी चीज़ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो हैंडलिंग की बात करी जाए तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी हैंडलिंग मिलती है
आप आराम से टर्न ले सकते हो। जैसे अभी आगे टर्न आ रहा है तो मैं आपको टर्न लेके दिखाता हूँ। अभी मेरी स्पीड लगभग 45 तक है और मैं इसमें अभी टर्न लेके दिखाता हूँ आपको। और ये हल्का सा ही टर्न है, ज़्यादा बड़ा टर्न नहीं है। तो अब हम इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। 40 की स्पीड पे ले जाके हम इसकी ब्रेक अप्लाई करेंगे। अब मैंने 40 की स्पीड गेन कर लिया, मैं दोनों ब्रेक अप्लाई करता हूँ। तो इसमें आपको ब्रेकिंग कुछ खास नहीं मिलती है, इसमें सिर्फ डिसेंट सी आपको ब्रेकिंग मिलती है, क्योंकि नॉर्मल यूजेस के लिए ठीक है, पर एमरजेंसी के लिए आपको इसमें अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी। अगर हम इसे है ना ब्रेकिंग के बाद स्टार्ट करते हैं ना, एकदम उठाते हैं स्कूटी को, तो इसमें वाइब्रेशन ही आते हैं। जैसा कि देखना आप देखो, यहाँ पे आते हैं वाइब्रेशंस। इसके साइड व्यू मिरर हैं उनमें आपको अच्छी तरह से दिख जाता है। मैं स्कूटी को हाई स्पीड पे भी लेके गया हूँ पर इसमें वाइब्रेशन इतनी फील नहीं होती हाई स्पीड पे भी, लगभग 85-80 पे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ की कमी मिलती है, आपको इसको इसमें किसी भी वेरिएंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। अगर वो मिल जाती तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।